धार जिला धर्मपुरी महाशिवरात्रि मेला का भक्तों का तांता, व्यापारिक मेला पूरी तरह बंद, प्रशासन ने किया पूरा बंदोबस्त। धर्मपुरी में नर्मदा नदी के बीचों बीच महर्षि दधीचि की तपोभूमि पर बिल्वा मृतवेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। आज महाशिवरात्रि पर्व पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कोरोना काल को लेकर प्रशासन ने व्यापारिक मेले का परमिशन नहीं दिया, सिर्फ भक्तों का दर्शन के लिए परमिशन दिया। उसके बावजूद भी भक्त भगवान के दर्शन के लिए पीछे नहीं हट रहे। प्रशासन के द्वारा नर्मदा नदी की छोटी धारा पर अस्थायी पुल बनाया जाता है, लेकिन इस बार पानी ज्यादा होने से नावों से भक्तों को लाया जा रहा है। प्रशासन ने COVID-19 को देखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। सुरक्षा भी रहे और साथ साथ कोविड गाइडलाइंस का भी पालन होता रहे, तो इसके लिए तो सबसे पहले शावर की व्यवस्था की गई है कि जितने लोग हो सके वो उसी पानी से जो है नर्मदा जी के पानी से, लेकिन घाट से थोड़ी दूर लगा सके। उसके बाद LED की व्यवस्था की गई है कि जो लोग सभी लोग मंदिर न जाएं और उनको वहीं से मंदिर से सीधे दर्शन जो है वो LED के माध्यम से हो जाए। मंदिर में जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसका लाइव फीड भी दिया जा रहा है ताकि लोग अपने घर बैठे जो है उसका दर्शन कर सकें। इसके अलावा जो लोग घाट पर आ रहे हैं नहाने और पूजा करने के लिए, आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और NDRF की और LED की सारी टीम लगी हुई है यहाँ पे, और जो लोग मेन मंदिर जा रहे हैं उनको लेने के लिए पर्याप्त संख्या में नाव लगाई गई है। सभी नावों का जो है सुरक्षा चेक की गई है कि वो नियमों के अनुरूप है, वो जा रहे हैं आ रहे हैं, और साथ ही हम ये यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगाई है कि समय समय पर लोगों को कोविड गाइडलाइन के लिए भी हो। बहुत बढ़िया लगी हमको व्यवस्था, और हम बड़वानी जिले से आए और हर साल कम से कम 6-7 बरस से हम आ रहे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है हमारे लिए, और हम स्नान करने यहीं पे आते हैं। दर्शन करें आपने? दर्शन भी कर लिए, स्नान भी कर लिया, और अब घर जाने की माना। धर्मपुरी से सोनू मीणा के साथ गोलू पटेल की रिपोर्ट।